Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. हर शहर की अपनी एक खुशबू होती है और मेरे शहर की खुशबू बनती है सुबह सुबह बनने वाली पस्ता हलवा पूरी के नाश्ते से, ताज़ा छप कर आए अखबार से, मस्जिद में फैली इत्र से, रेड़ी पर सजे फलों से, किसी घर में पकती दाल में लगने वाले प्याज के तड़के से, तो कहीं चाय में कूट कर डलने वाली इलायची से। 3 साल बाद आज भी मेरे शहर की खुशबू बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैं छोड़ कर गई थी। जैसे ही कैब मेरे घर के सामने आकर रुकी, मैंने झट से अपना ट्रॉली बैग उतारा, ड्राइवर को पैसे दिए और दबे पांव अपनी पुरानी चाबी इस्तेमाल करते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। अम्मी की वही डांटती डपटती आवाज़ ने मेरा इस्तकबाल किया। जुनैद, पानी की मोटर बंद कर दो, अगर जल गई ना तो इस वक्त ना इलेक्ट्रिशियन आएगा ना टैंकर। मैंने चुपचाप पीछे से जाकर अम्मी को पकड़ लिया। अम्मी ने डरकर जोर से चीख मारी और फिर पीछे मुड़कर जब मुझे देखा तो गले लगा लिया। या अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, जवेरिया मेरी जान, तुम कहाँ से आ गई? ये शोर सुनकर अब्बू और जुनैद भी बाहर आ गए। अब्बू ने आकर मेरा माथा चूमा और शफकत से मेरे सर पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसी हो बेटा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, आप सब कैसे हैं? जुनैद भी हैरान होकर मुझसे मिला और कहने लगा, अरे आपी, आप कब आई, बताना तो चाहिए था ना। फिर मैं आप सबके चेहरों पर ये प्राइसलेस खुशी कैसे देखती, और अगर मैं बता देती तो क्या तुम मुझे एयरपोर्ट पर लेने आ जाते? नहीं नहीं, मैं आपको लेने तो नहीं आता, लेकिन कम से कम मेरी जनरल नॉलेज में इजाफा तो हो जाता। इस बात पर हम सब हंस पड़े और अम्मी फिर से मुझे गले लगाकर रोने लगी। अरे माँ, आप क्यों रो रही हो, देखो मैं आ गई हूँ ना। अम्मी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हमने पिछले 3 सालों में बेशक हजारों बार तुमसे कॉल पर बात की होगी, तुम्हारी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन माँ बाप को असली सुकून तो अपनी औलाद को सीने से लगा कर ही आता है ना बेटा। तुम्हें पता है मैं आज सुबह से तुम्हें कितना याद कर रही थी, मैंने आज इत्तेफाक से तुम्हारी मन पसंद भिंडी बनाई है। माँ, मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। जैसे ही इस बार छुट्टियाँ अनाउंस हुई, मैंने फौरन टिकट करवाई और सीधा चली आई। और हाँ माँ, भिंडी तो मैं दोनों हाथों से खाऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए मैं आप सबके लिए क्या लाई हूँ। ड्राइंग रूम में बैठकर मैंने सूटकेस खोला और सबसे पहले जुनैद को उसके न्यू एयरपॉड्स दिए, जिस पर उसने माय आपी इज द बेस्ट के नारे लगाए। फिर मैंने अबू की न्यू शर्ट्स, घड़ी, परफ्यूम और मिठाई का एक डब्बा निकालकर अम्मी को दिया और कहा, माँ ये लें, आपका फेवरेट सोहन हलवा, मैंने खास आपके लिए मुल्तान एयरपोर्ट से लिया था ड्यूरिंग माय ट्रांजिट। जुनैद ने मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले मेरे हाथ से मिठाई का डब्बा लिया और उसमें से एक टुकड़ा चखते हुए कहा, आपी ये भी आप मुझे ही दे दो, अम्मी थोड़ी ना खाएंगी ये अब। अरे ये क्या बात हुई, क्यों नहीं खाएंगी? इस पर जुनैद के मुंह से सच निकल आया, अरे क्योंकि अम्मी को तो शुगर हो गई है ना। ये अल्फाज सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अम्मी ने जुनैद को आंखें दिखाई और उसने अपना सर झुका लिया। मैंने अब्बू की तरफ देखा, कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? अब्बू ने मुझे तसल्ली देते हुए बताया, बेटा तुम्हारी अम्मी को शुगर हो गई है, तुम्हें तो पता है इस उम्र में डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर वगैरह हो जाना एक आम सी बात है, ये तो अब हर घर की कहानी है। मैंने परेशान होकर अम्मी से पूछा, माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अम्मी ने प्यार से मेरे बाल सहलाते हुए कहा, तुम खामखा परदेश में अकेली फिक्रमंद हो जाती बेटा, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने सेहतमंद खड़ी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम से दवा भी ले लेती हूँ, हमने मशीन भी ले लिया है और टाइम टू टाइम चेक भी करते रहते हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, तुम फिक्र मत करो। और तुम इतने प्यार से मिठाई लाई हो ना, एक टुकड़ा तो मैं खा ही सकती हूँ, इतना तो अलाउड है मुझे।
मैंने इस बात पर खफा होते हुए पूछा। बात फिक्र करने की नहीं है माँ, क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? बाहर चली गई हूँ तो क्या अब आप लोग मुझसे बातें छुपाएंगे? दिस इज नॉट फेयर। इस पर जुनैद ने कहा, आपी एक और बात है जो आपसे छुपाई गई है। मैंने घबरा कर जुनैद से पूछा, और क्या बात हुई है? तो उस मस्ती खोर ने संजीदा सी शक्ल बनाकर मुझसे कहा, आपी आप मेरी सगी बहन नहीं है, आपको अम्मी अबू ना एक यतीम खाने से उठा कर ले आए थे। ये सुनकर मैंने सोफे से एक कुशन उठाया और जोर से उसे मारा। बदमाश इधर आओ तुम, इन 3 सालों में सिर्फ कद बड़ा है तुम्हारा, अकल अब तक नहीं आई है। शाम को थोड़ा आराम करने के बाद जब मैं उठी तो एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ी, आ गई मेरी झांसी की रानी, आ गई मेरी रजिया सुल्ताना। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी बचपन की सहेली और पड़ोसन मरियम मेरे सामने खड़ी थी। मरियम और मेरा रिश्ता बहनों से भी बढ़कर था, इसलिए उससे मिलकर मुझे उतनी ही खुशी हुई जितनी अपने घर वालों से मिलकर हुई थी। तुम्हारे कनाडा में तो ठंडा ठंडा मौसम रहता है, यहाँ तो सूरज आग बरसा रहा है, एसी चलाकर भी सुकून नहीं मिलता। तुम क्यों आ गई हो बहन, देखो सुबह से लाइट भी नहीं है। मरियम की इन शिकायत पर मैंने कहा, हमेशा के लिए थोड़ी ना वापस आई हूँ, 2 हफ्तों में वापस चली जाऊंगी, पर जब तक यहाँ हूँ मुझे मसले नहीं गिनने, मजे करने हैं और सब दोस्तों से मिलना है। इस पर मरियम ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर चलें। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।